दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में मैक्सट्रा ड्रॉप के बारे में। भाई क्या है, किस तरह से काम करती है, कौन सी बीमारी में चलती है, कितना बड़ा बच्चा यूज कर सकता है, किस तरह से यूज करना है, इसकी ड्रॉप कितनी होती है, साइड इफेक्ट क्या है, सावधानी क्या रखनी पड़ती है, जानेंगे सब कुछ। देखिए देखिए मैक्सट्रा ड्रॉप एक ब्रांड नेम है जोवेंटस कंपनी का। दोस्तों इसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो सेल्फ यूज करने की कोशिश ना करें। अगर कोई बच्चा एक महीने से लेकर या न्यू बॉर्न बेबी से लेकर एक साल तक का है, वो इसका यूज़ करता है ड्रॉप फॉर्म में। पीने की आती है, ड्रॉप है, एक बूंद बूंद करके मुंह के अंदर डाली जाती है। कब डालनी है, जब बच्चे को कोल्ड हो जाए, बुखार आती है, मान लो कोल्ड के साथ साथ बुखार है बच्चे को, बच्चा बार बार रो रहा है, तो वहाँ पर दी जाती है। बच्चे को खांसी आ रही है, बच्चे का नाक बंद है, तो वहाँ पर दी जाती है कोल्ड की प्रॉब्लम में, एलर्जी की प्रॉब्लम में, ठीक है, नाक को खोलने के लिए, खांसी को कम करने के लिए, सूखी खांसी को कम करने के लिए। बात करें किस तरह से काम करती है, तो दोस्तों इसके अंदर आते हैं दो सोल्ट, पहला है फेनिलापरिन और दूसरा है क्लोरोफेनिलामाइन। फेनिलापरिन एंटी कोल्ड है, जुखाम लग गया है बच्चे को, जुखाम को कम करता है, नाक से पानी आना रोकता है, बच्चे की खांसी में आराम देता है। क्लोरोफेनिलामाइन दोस्तों एंटी हिस्टामिन है, कई बार हिस्टामिन नाम का रसायन बॉडी के अंदर बन जाता है, जो कि फिर जुखाम का कारण बनता है, खांसी का कारण बनता है, एलर्जी का भी, खांसी का कोई भी एलर्जिक डिसऑर्डर कारण बन सकता है, तो वहाँ पर उसको ये ब्लॉक कर काम करता है। इस तरह से ये जुखाम की प्रॉब्लम में, खांसी की प्रॉब्लम में, कोल्ड की प्रॉब्लम में काम करती है। बात करें डोज की, तो दोस्तों बच्चे का बॉडी वेट के हिसाब से इसकी डोज निर्धारित होती है, बिना बॉडी वेट के डोज नहीं देनी चाहिए, ठीक है। वैसे अगर नॉर्मल डोज की बात करूँ तो दो से तीन बूंद दिन में दो तीन बार हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। बूंद बूंद दी जाती है, ड्रॉपर इसके अंदर आता है, ड्रॉपर की सहायता से दी जाती है। साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो बहुत ही कम चांस में ही होते हैं, जैसे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होना, पेट दर्द होना, वॉमिटिंग हो कर देना, बच्चा पूरी रात जगते रहना, नींद आने में दिक्कत होना, ठीक है, इसके साइड इफेक्ट होते हैं। ये बहुत ही कम चांस में होते हैं, हर किसी बच्चे को नहीं होते, तो घबराने की बात नहीं है। दोस्तों सावधानी बस यही है कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट की देख रेख में ही देना है, आपको सेल्फ यूज़ नहीं करना है। देने के बाद अगर आराम नहीं मिलता, दो तीन दिन बाद अगर आराम नहीं आ रहा है, बच्चा की तबीयत में सुधार नहीं है, तुरंत इसका यूज़ करना बंद कर देना है, डॉक्टर को जरूर बताना है। तो संपूर्ण रिव्यू था, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कुछ भी समझ आएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं।